So let's see our next question. It says, of all the closed right circular cylindrical cans of volume 128 pi centimeter cube, yani ki is case mein hamare paas volume of cylindrical cans hamare paas given hai, yani ki ek constant hai, we have to find the dimensions of the can which has the minimum surface area, yani ki hame batani hai sare ke sare dimensions kya honge can ki shape agar hamare paas cylindrical hai, iska matlab hamare paas dimension mein radius aayega aur height aayega, okay? वो हाइट और रेडियस हमें बताना है सच दैट उस कैन का हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास होना चाहिए मिनिमम, ओके? सो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है और मैंने बोल दिया लेट सपोज कि ये है इसका रेडियस एंड देन लेट सपोज ये है इसका हाइट, ओके? तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन में कि लेट कैपिटल आर एंड कैपिटल एच बी दी रेडियस, पहले रेडियस लिखा है आप लोगों ने, रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन रिस्पेक्टिवली का मतलब जो आप लोगों ने आर लिखा है वो रेडियस है और जो आपने एच लिखा है वो हाइट है आप लोगों की, ओके? एंड यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम पहले से ही गिवन है आप लोगों के पास, ठीक है? सो हम लेट हमने डिनोट कर लिया, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कैन। तो क्या है इसका मतलब, हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर केस में, वो होता है वी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, और हमें वॉल्यूम पहले से दिया हुआ है 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सो इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हम यहाँ से पाई को पाई से काट सकते हैं, ओके? दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमारी मतलब है भाई हम किसी एक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में लिख सकते हैं आराम से, ओके? सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एच की वैल्यू को निकाल लिया, एच इक्वल्स टू जो मेरे पास आया है वो आया 128 अपॉन में आर स्क्वायर, लेट सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया ताकि मैं इसको बाद में कहीं फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकूं, ओके? नाउ ध्यान से देखिए, तो आपको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ क्या करना है इस सवाल के अंदर, तो आपको मिनिमाइज़ करना है सरफेस एरिया। अगेन सरफेस एरिया से पहले आपके लिए बोला नहीं है कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया है कि टोटल सरफेस एरिया है, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप लोगों के पास एम्बिग्यूटी होगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर हमेशा टोटल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करेंगे, ओके? सो आपने यहाँ पर लेट सपोज बोल दिया लेट कैपिटल एस बी दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट सिलेंड्रिकल कैन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कैन। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया नहीं कि 2πRh प्लस में ऊपर का पाई आर स्क्वायर एंड नीचे का पाई आर स्क्वायर यानी कि 2πR², ओके? सो ये आपके पास आ गया है इतना। नाउ आपको कोशिश करनी है कि इसको आप लोग किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें, बिकॉज एस जो आपके पास फंक्शन है उसके अंदर वेरिएबल्स आपके पास है आर और एच दोनों। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन काम आएगी, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एस कैन बी रिटन एज 2πR एंड देन 128 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में 2πR², ओके? यहाँ पर आर से आर यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है, सो एस आपके पास आ गया है 2π एंड देन 128 अपॉन में आर एंड देन प्लस में 2πR², आप चाहे तो इसको और लिख सकते हैं ऐसे, लेट सपोज एस को लिख सकता हूँ मैं 128 इंटू 2 इज़ 256 पाई अपॉन में आर एंड देन प्लस में 2πR² तो आप लोगों के पास था ही, ओके? नाउ आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एच, हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, सो नाउ डी एस ओवर डी आर क्या हो जाएगा आपके पास, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में आर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर एंड 256 पाई तो आपके पास पहले से लिखा हुआ था, तो लेट सपोज मैंने इसको लिख दिया 256 पाई एज इट इज, ओके? एंड देन प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 4πR, ऑल राइट? सो ये आपके पास आ गया। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, आप कह देंगे पुट डी एस ओवर डी आर इक्वल टू जीरो, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है यहाँ से। सो ये आपके पास आया है माइनस का 256 पाई अपॉन में आर स्क्वायर एंड प्लस में 4πR इक्वल्स टू आपको पुट करना है जीरो, मैं यहाँ पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ,
और देखता हूँ मेरे पास क्या चीज़ें आ सकती हैं यहाँ से। सो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहा हूँ देन मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि 4πr कैन बी रिटन एज 256π एंड देन डिवाइडेड बाई वॉट आई कैन से आर स्क्वायर। ओके, पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी कैन से इस 4 से ये कटेगा तो ये आएगा आपके पास 64। ओके, और ये आर स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास आर क्यूब इक्वल्स टू 64। अगर आर क्यूब इक्वल टू 64 है इसका मतलब आर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा कितना, किसकी क्यूब होती है 64, तो ये होती है 4 की क्यूब। ओके, सो आपके पास एक चीज़ तो आ गई, आर इक्वल्स टू 4 तो आप लोगों के पास आ चुका है। ओके, अब आपको चेक करना है कि जो आर इक्वल्स टू 4 आया है ये एक्चुअल में मिनिमा का पॉइंट है या फिर मैक्सिमा का पॉइंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा डी टू एस अपॉन में डी आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नाव डी टू एस अपॉन में डी आर स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। जो आपके पास डी एस अपॉन में डी आर आया हुआ है वो आया हुआ है आपके पास ये चीज़। सो अगर आप इसका डी टू एस बाई डी आर निकालेंगे सो माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन में आर क्यूब और 2 भी लगेगा इसके आगे, 2 टाइम्स ऑफ 256 आपके पास हो जाएगा 5112। ठीक है, 5112 और पाई आपके पास पहले से लगा हुआ था, ये सब कुछ बेसिक है करना, आप लोगों को आता है करना। एंड देन प्लस में आपके पास ये हो जाएगा ओनली 4π। ओके, नाउ आपको तो फाइंड करना था डी टू एस अपॉन में डी आर स्क्वायर की वैल्यू को एट द पॉइंट आर इज इक्वल्स टू 4 पे। तो चलिए हम निकालते हैं इसको, ये आपके पास हो जाएगा 5112π अपॉन में आर की जगह 4 पुट किया, यहाँ हो जाएगा आपके पास 64 प्लस में 4π एज इट इज़। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है। तो आपको पता है पूरा पूरा हो जाएगा पॉजिटिव, और आपको पता है जब कभी भी सेकेंड डेरीवेटिव के अंदर आपके पास टर्म आती है पॉजिटिव सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपके पास साफ साफ ये होता है कि जो आपने वैल्यू पुट करी है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है आपके पास। ओके, सो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या, सो बाई सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट, सो बाई सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट आर इज इक्वल्स टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। हेंस जिस भी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया था एस को किया था हमने, एस का मतलब था हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, हेंस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मिनिमम व्हेन आर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, जब आर इक्वल्स टू आपके पास 4 होगा तब आपके पास सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी, आपको तो यहाँ पे पूरी पूरी डायमेंशंस निकालनी थी। ओके, अब देखिए जब आर इक्वल टू 4 है तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इसको। सो ध्यान से आप लोग देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, बाई यूजिंग फर्स्ट क्या है आपके पास, एच इज इक्वल्स टू 128 अपॉन में आर स्क्वायर आपके पास गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एच इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 128 अपॉन में 4 की स्क्वायर यानी कि 16 बोल दूं मैं डायरेक्टली, चाहे आप इसको 4×4 बोलिए, कट करने में आसान रहेगी मेरे लिए। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा 32 एंड ये आपके पास हो जाएगा 8। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट एच इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब जो आपके पास सिलेंड्रिकल कैन दी थी जिसका वॉल्यूम आपके पास फिक्स था 128π cm³ और उसका सरफेस एरिया आपके पास मिनिमम था, उसके डायमेंशंस क्या निकली आपके पास, तो डायमेंशन आपके पास निकली हैं आर इज इक्वल्स टू 4 एंड एच इक्वल्स टू 8। और याद रखिएगा क्योंकि आपका वॉल्यूम इस बार सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था इसलिए आर इक्वल टू भी आपके पास 4 cm आएगा एंड एच इक्वल्स टू भी आपके पास 8 cm का आएगा। ओके, सो लिखना क्या पड़ेगा हमें यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड रेडियस एंड हाइट ऑफ व्हाट ऑफ द सिलेंडर आर व्हाट 4 cm एंड 8 cm रिस्पेक्टिवली। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इन सवालों में आप लोगों को हमेशा ये बात ध्यान देनी है कि आप लोगों से अल्टीमेटली सवाल ने पूछा क्या हुआ है।
आप लोग हर सवाल में मैक्सिमम वॉल्यूम या फिर मैक्सिमम एरिया निकाल दोगे, लेकिन हो सकता है सवाल में कुछ और चीज़ आपको प्रूफ करनी हो। तो आपको जब कभी भी आप लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई कर लें और मैक्सिमम मिनिमम निकाल लें, देन आप लोग प्लीज़ दोबारा सवाल को पढ़िएगा और देखिएगा क्या चीज़ जो आपको प्रूफ करनी थी वो आपने निकाल ली। अगर निकाल ली तो वेल एंड गुड, और नहीं निकाल तो प्लीज़ उसको प्रोसीड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो आर इक्वल्स टू 4 आया है डायमेंशन आपके पास यहाँ पे, एंड एच इक्वल्स टू सवाल के अंदर आपके पास 8 आया हुआ है। ऑलराइट,